हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके संग शेयर करूंगी कुछ ऐसे ही घरेलू टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको आजमा के ना, मतलब मैं अपने काम को तो इजी वे में करती ही हूँ और अपने पैसे भी बहुत सारे बचाती हूँ और समय की भी बचत होती है। तो वैसे ही चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, कई बार आपने सुना होगा, लोगों को कहते भी और बहुत जगह हम लोगों ने ये सुना है कि ग्लास को अगर आप न्यूज़पेपर से साफ करेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लीन होता है। लेकिन इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं गाइस, अगर आप न्यूज़पेपर से करते हैं ना तो उसके पीसेस इधर उधर गिरते हैं और बहुत मैसी घर हो जाता है। इसलिए मैं ग्लासेस को, कांच को या ड्रेसिंग एरिया को क्लीन करने के लिए ना माइक्रोफाइबर क्लोथ का इस्तेमाल करती हूँ। गाइस, मेरी नेक्स्ट टिप है, ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स आप ज़रूर इन्वेस्ट करें। मेरे पास ये ऑर्गेनाइज़र था जिसमें ना मैं अपनी डायरीज़ वगैरह सब कुछ रखती हूँ, तो इसमें पेंस मैं रखती थी ना तो वो इधर उधर गिर जाते थे जैसा कि आपने देखा। तो मैं क्या करती हूँ, जो रोल होते हैं ना, जो हमें फूड रैपिंग पेपर के संग आ जाते हैं और कई चीज़ों में मिलते हैं, उनके छोटे पीसेज इसके हाइट के हिसाब से ऑर्गेनाइज़र के मैंने कट कर लिया है और उसमें मैं पेंस रखती हूँ, तो जिससे ना वो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं और ये अपनी जगह से इधर उधर ना हो, उसके लिए मैं इनके बेस में ना डबल साइडेड टेप चिपका के ऑर्गेनाइज़र में चिपका दूँगी, जिससे ना कितने भी रफली या आप जल्दबाजी में हो, ये ऑर्गेनाइज़र और पेन स्टैंड जो है वो इधर से उधर नहीं होगा और आपका ये ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल भी मैसी नहीं रहेगा। तो ऐसे ही गाइस, घर के सामानों को आप इस्तेमाल करके ना बहुत आसान तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड और सुंदर दिखा सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा भी है हो गया। उसी तरह से गाइस, मेरे पास ये एक मेकअप ऑर्गेनाइज़र भी है जिसमें भी मैं जैसे मेकअप ब्रशेस वगैरह रखती हूँ, तो उसके लिए भी मैंने वही रोल का टुकड़ा लिया है और अपनी हाइट के हिसाब से ऑर्गेनाइज़र की, और उसमें भी डबल साइडेड टेप की मदद से वो मैं रोल चिपका दे रही हूँ जिसमें मैं अपने मेकअप ब्रशेस रखती हूँ। नॉर्मली जो मैं एक दो ब्रशेस यूज़ करती हूँ ना, उन्हीं को बस मैं रखती हूँ, बाकी के ब्रशेस मेरे एक दूसरे ऑर्गेनाइज़र में रहते हैं। तो इस तरह से आप छोटे छोटे जुगाड़ करके ना गाइस, मतलब बहुत अपने घर को व्यवस्थित तो करेंगे ही, अपना टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। क्योंकि अब गाइस, मेरी नेक्स्ट टिप है, जैसे हम लोग छोले कई बार या राजमा या लोबिया वगैरह होता है हम रात में भिगोना भूल जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना, आपको जब भी याद आए ना तो उसको आप गर्म पानी में, थोड़ा गुनगुने पानी में भिगो दीजिए और प्रेशर कुकर के अंदर ना ढक्कन लगा के बंद कर दीजिए और एक घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जो भी मटर लोबिया या चने, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको प्री सोक किया जाता है, वो एक घंटे में ही बहुत अच्छे से उबल जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने यही किया था और ये बहुत अच्छे से देखिए गर्म होके उबल गए हैं। गाइस, अब मेरी नेक्स्ट टिप है, जो सेफ्टी पिन होते हैं ना, इतने छोटे होते हैं और जब भी हमें साड़ी पहनना हो या उनका ज़रूरत होती है ना, वो टाइम पे कभी नहीं मिलते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं एक ही सेफ्टी पिन में बाकी सबको लगा दी हूँ और मैं अपने ड्रेसिंग एरिया का जो डोर का पोर्शन अंदर की तरफ होता है वहाँ पर एक स्टिकी टेप से चिपका के उनको हैंग कर दी हूँ। गाइस, बारिश के समय में, मानसून सीजन में क्या होता है, हमारे घर से ना बहुत गंदी सी फाउल स्मेल आ जाती है कभी कभी, आप कितना भी अच्छे से क्लीन करें पोछें, तो मैं क्या करती हूँ, जो फैब्रिक कंडीशनर होता है ना उसको थोड़ा सा पानी में डाल के और अपने फर्नीचर वगैरह जो भी है सब पोछती हूँ, तो इससे ना एक बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस घर में रहती है और ये काफ़ी देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहती है। इसको आप भी आजमा के देख सकते हैं। कई बार तो मैं क्या करती हूँ गाइस, जैसे मैं कपड़े बारिश के दिनों में जब भी कपड़े धुलती हूँ ना, तो उनको फैब्रिक कंडीशनर में ज़रूर थोड़ी देर के लिए सोक करती हूँ, तो वो पानी जो होता है फैब्रिक कंडीशनर वाला, वो तो हमारा साफ ही होता है, तो उसको मैं ना पोछे में इस्तेमाल कर लेती हूँ, जिससे हमारा घर भी ना बिल्कुल अच्छा सा फ्रेग्रेंस वाला खुशबूदार हो जाता है। और आप चाहें, अगर आप पोछे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा पानी है तो आप अपनी
बालकनी या आगे का सामने बरामदे वगैरह का जो एरिया है उसको भी उससे क्लीन कर सकते हैं। जैसा कि मैं अधिकतर करती हूँ, अपने बरामदे को उसी पानी से धुलती हूँ, तो मेरा घर में ना हमेशा एक फ्रेग्रेंस, अच्छी सी स्मेल आती रहती है, और बारिश के दिनों में तो बहुत ही अच्छा और ये इफ़ेक्टिव आइडिया है। गाइज, अब मेरी नेक्स्ट टिप है, ये जो मेरा एक वॉल डेकोर था ये ना नीचे से वुडन होने की वजह से नीचे से थोड़ा सा बेंड सा हो गया है, तो साइड से जब आप देखिए ना तो थोड़ा अजीब सा, अच्छा नहीं देखने में लगता है। तो इसके लिए मैंने सोचा था, वैसे सामने से तो ये देखने में सही लगता है लेकिन साइड से ना वो थोड़ा सा उठा हुआ लगता है, बेंड हो गई है इसके जो वुड है। तो मैं इसके नीचे ना दोनों तरफ आप चाहें या बीच में आप ना स्टिकी टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिससे ना वो दीवार में चिपका रहेगा। तो मैंने वही किया है, स्टिकी टेप लिया है और इसके बेस में लगा के चिपका दी हूँ, जिससे ना फैन चलने पे भी ये अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। गाइज, अब मेरी नेक्स्ट टिप है, जैसे ऐसे जो टेबल होते हैं या बेड वगैरह भी होते हैं, तो ये टेबल जो है ना मेरा, इसका कॉर्नर थोड़ा शार्प सा है, तो जब मैं इस पे ना ये प्लास्टिक कवर लगाती थी ना, तो ये प्लास्टिक कवर कई बार ना बीच से कट जाते हैं, तो उसके लिए मैं काफ़ी बार चेंज करती थी और फिर हर बार यही होता था। तो मैं क्या करी हूँ ना कि मैंने इसके ऊपर एक पहले क्लोथ बिछा दिया है। वो क्लोथ आप किसी भी चीज़ से ले सकते हैं, आप चाहें तो अपने पुराने बेडशीट से जिनके प्रिंट अच्छे होते हैं और फट गई है, तो आप उनके शेप का काट के और इसके ऊपर प्लास्टिक शीट बिछा दीजिए, जिससे कि ना वो हमारा जो नीचे कपड़ा है वो गंदा भी नहीं होता है और कुछ भी दाग लगे, बस हमें प्लास्टिक शीट को अच्छे से क्लीन करके पोंछ भी देते हैं और कॉर्नर्स भी हमारे ना सिक्योर हो जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। और ये कपड़ा ना मैंने ऐसे लोकल शॉप से लिया था, थान में का मैंने बेडशीट के साइज़ का ले लिया था। गाइस, अब मैंने ना अभी रिसेंटली एक ऑर्गेनाइज़र नाइसा ब्रांड का मंगाया है, ये काफ़ी अच्छा है। और गाइस, आप अपने ड्रेसिंग एरिया के लिए या आप चाहें ना तो मतलब कोई भी आइटम निक नैक रखने के लिए, चाहे तो किचन में, चाहे स्टेशनरी आइटम्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको ना अपने जो हमेशा यूज़ करती हूँ, मेकअप वगैरह, और देखिए मैंने वॉचेस एक जगह रख दी है, ग्लासेस एक जगह रख दी है, इस तरह से कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ना आप ऐसे चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्राइसी भी नहीं होते हैं, 600-700 के आराम से मिल जाते हैं और काफ़ी यूज़फुल आइटम है। और गाइज, मेरी नेक्स्ट टिप है, ये ना मैं अपने वार्डरोब में ऐसे अपने सारी कुर्तीज़ वगैरह रखती थी, लेकिन क्या होता है ना, जो कई बार हमारी जो फैंसी कुर्तियाँ होती हैं, सिल्क की कुर्तियाँ होती हैं, हम लोग उसको रोज़ तो इस्तेमाल करते नहीं हैं। तो मैंने ना ये एक साड़ी कवर मंगाया है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और इसमें क्विल्टेड है, ये इसके अंदर फोम की शीट भी लगी है। तो इसमें ना मैं अपने सारी कुर्तियाँ जो पार्टी वियर हैं और सिल्क की हैं, और कुछ कुछ मतलब थोड़ी एक्सपेंसिव सी हैं जो मैं डेली यूज़ में नहीं पहनती हूँ, उनको मैं इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर रखूँगी, जिससे क्या होगा ना कि ये डस्ट भी नहीं लगेंगे और क्योंकि इसके सामने शीट लगी हुई है तो आसानी से हम देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या रखा है। आप चाहें तो इसके ऊपर ना लेबल भी चिपका सकते हैं, वैसे ये बहुत ही यूज़फुल है और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से सामने से ना ईजिली दिख जाता है कि इसके अंदर क्या रखा है, और हमारी जो मतलब कुर्तियां हैं वो गंदी भी नहीं होंगी। तो इसका मैंने सेट ऑफ 2 मंगाया है अमेज़ॉन से, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। गाइज, ये बहुत ही अच्छा और यूज़फुल आइटम है। गाइज, अब मेरी नेक्स्ट टिप है कि जो हमारे आजकल बारिश के दिनों में हमारे मनी प्लांट बहुत अच्छे से तेज़ी से ग्रो करते हैं, तो कई बार उनकी बेलें ना नीचे तक लटक आती हैं, तो आप उसको बुशी दिखाने के लिए ना आप जो जूड़ा पिन होता है ना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जूड़ा पिन बहुत आसानी से ये जो होता है ना उनके स्टेम्स में लगा के और मिट्टी के अंदर आप लगा दीजिए, और आपका तुरंत मिनटों में आपका जो प्लांटर है बहुत बुशी हो जाएगा। तो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।